बात करने वाले हैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो सभी आईफोन यूजर्स को पता होनी ही चाहिए। तो बढ़ते हैं उन ट्रिक्स की तरफ। आइए, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम किसी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं और वेबसाइट्स में हम वेबसाइट का नाम डालते हैं और फिर डोमेन डालते हैं, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, डोमेन का नाम डालते हैं तो टाइपिंग हमें काफी करनी पड़ती है। कुछ टाइपिंग को मैं सेव करने के लिए एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। अब चलते हैं हम अपने आईफोन की तरफ। आईफोन में हमें सफारी ऑन करना है, ठीक है, और यहाँ पे URL की तरफ जाते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी प्रयोगशाला। ओके, अब मेरे को यहाँ .com वगैरह लगाना है, ठीक है, .com .org .net कुछ भी मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी प्रयोगशाला डालने के बाद हमें यहाँ पे प्रेस करके रखना है, तो ये सभी डोमेन आ जाएंगे। आप देख सकते हैं .edu .notepad यहाँ पे होल्ड करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ सभी डोमेन आ जाएंगे .com .in .org .co .in .net। तो आपको जो भी यूज करना है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट वो हो जा सकते हैं। तो आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जा रहे हैं और वहाँ पे मेन्यू कार्ड होता है, उसमें काफ़ी छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है, काफ़ी डिम लाइट होती है, तो हम उस मेन्यू कार्ड को पढ़ नहीं पाते। तो हमारे आईफोन में एक मैग्नीफायर नाम का टूल होता है, ठीक है। मैग्नीफायर टूल को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए कैमरा और उसको हम मैग्नीफाई कर सकते हैं, मीन जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और किसी भी कलर में, अगर डिम लाइट में तो उसमें किसी भी कलर को यूज़ करके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमें कैसे करना है। तो हमें चलना है अपने फ़ोन की सेटिंग में। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद हमें जाना है जनरल पे जाने के बाद हमें जाना है एक्सेसिबिलिटी पे। एक्सेसिबिलिटी में आप देख रहे हो थर्ड नंबर पर मैग्नीफायर है, मैग्नीफायर पर क्लिक करना और इसको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद मैग्नीफायर ओपन होगा। अपने होम बटन को हमें 3 बार प्रेस करना है, ट्रिपल टाइम प्रेस करना है, 1 2 3। आप इसमें देख रहे हैं मैग्नीफायर का ऑप्शन आ रहा है, इसमें मैग्नीफायर को आपको क्लिक कर देना। 3 बार क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमें मैग्नीफायर का ऑप्शन दिख रहा है, मैग्नीफायर पर क्लिक करना है। मैग्नीफायर पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। इसमें आपको साफ में दिख रहा होगा किसके क्या रेट हैं क्या नहीं है, ठीक है। मैंने एक इमेज खोली हुई है, उस पर आपको देखना है। इसमें आप चेंज कर सकते हैं कलर, वाइट एंड ब्लू, येलो एंड ब्लू, आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। कलर नहीं चाहिए तो आपको यहाँ से रख सकते हैं, कितना जूम करना है आपको, राइट, कितना जूम आउट करना है। आप इसको यहाँ से कैमरे को आप एक मैग्नीफायर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें कितने साफ दिख रहा है इसमें, ठीक है। कलर आपको कोई और रखना है तो आप इसमें ये वाला कलर कर सकते हैं, ये वाला रख सकते हैं, डार्क हो गए काफी, ठीक है। कुछ भी आप मतलब मैग्नीफायर को यूज कर सकते हैं कैमरे की मदद से। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। ऐसा काफ़ी बार होता है कि हम अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं और चार्जिंग पे लगने के बाद काफ़ी टाइम लगाता है चार्जिंग होने में, तो उस चीज़ में हमें क्या करना चाहिए। ये एंड्रॉयड वाले भी कर सकते हो और आईफोन वाले भी कर सकते हैं। आपको सिंपली अपने फ़ोन में एयरप्लेन मोड ऑन कर देना है। एयरप्लेन मोड ऑन करने के बाद आपका जो फ़ोन है वो ना ही कोई नेटवर्क से जुड़ा होगा, ठीक है, और पीछे की जो बैकग्राउंड की एप्लीकेशन होंगी वो बंद हो जाएगी। बंद होने से आपकी जो एनर्जी वो ले रही है, एप्लीकेशन ले रही थी, वो अब एनर्जी नहीं लेंगी और आपका फोन जल्दी से जल्दी चार्ज होगा, ठीक है। आई होप ये आपको ट्रिक पसंद आएगी। बढ़ते अपने अगली ट्रिक की तरफ। दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, कहीं किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर नेटवर्क के सिग्नल नहीं मिलते, जैसे किसी रूरल एरिया में जा रहे हैं वहाँ पर कोई नेटवर्क के सिग्नल नहीं मिल पाते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे सिग्नल हमें कहाँ पर मिलेंगे, मीन्स हमारे फ़ोन में जो सिग्नल है सिम के नेटवर्क के वो हमें कहाँ मिलेगी, फोन से बेस्ट सिग्नल हमें कहाँ पर मिलेगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, अपने आईफोन में जाना है, आईफोन में डायल बटन पे जाना है, उस पर हमें टाइप करना है हमें सिंपली *001#1235# और इस पर कॉल कर देना है। कॉल करने के बाद आप एक ऐसी इसमें खुलेगा ऑप्शन फील्ड टेस्ट का। फील्ड टेस्ट में अभी तो मैं नेटवर्क में हूँ इसलिए ऐसे आ रहा है इसमें। अगर आप इसमें नेटवर्क में नहीं होंगे, आपके पास सिग्नल नहीं होंगे, तो आपके पास सिम इन्फो पे जैसे ये यहाँ पे आ रहे हैं ना नंबर्स वगैरह आ रहे हैं, आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड में नंबर हैं और EPFPLMN जो ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये नंबर्स हैं। ऐसे वहाँ पे काफ़ी सारे नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे आपके राइट साइड में आपके नंबर आने के बाद आपको इसमें माइनस की तरफ जो जाती है
तो इसका मतलब आपके बैड सिग्नल है उस तरफ, और जब जीरो की तरफ जाती है मतलब मींस पॉजिटिव तरफ जाती है तो आपके मतलब सिग्नल उधर बेस्ट है, तो आपको जीरो की तरफ जितना जीरो की तरफ काउंटिंग जारी होगी, पॉजिटिव की तरफ काउंटिंग जारी होगी, उसको उस सिग्नल को सिलेक्ट कर लेना है, वो इसका मतलब आपके फोन के लिए उस नेटवर्क के लिए बेस्ट सिग्नल है। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आएगी। बढ़ते अपनी अगली ट्रिक की तरफ। आईफोन यूजर के लिए जो मैं अगली ट्रिक बताने वाला हूँ उसमें सिंपली अगर हमारे पास कोई कॉल आती है तो एंड्रॉइड यूजर्स को, जैसे एंड्रॉइड यूजर्स में हम करते हैं जैसे कोई कॉल आती है और हमें उसको एक मैसेज भेजना है कि कॉल यू बैक लेटर ऐसा कुछ भेजते हैं। आईफोन से भी आते हैं कुछ बाय डिफॉल्ट है, बट बाकी हमें अपने खुद के लिए कुछ सेट करना है तो हमें हमें क्या करना है, हमें जाना है सेटिंग पे फोन की, फोन पे जाना है। फोन पे जाने के बाद ये नीचे लिखा हुआ है रेस्पॉन्ड विद टेक्स्ट, टेक्स्ट पे जाने के बाद मैंने कुछ टेक्स्ट यू इसमें डाले हुए हैं, आप भी कुछ कर सकते हो, जैसे कैन आई कॉल यू लेटर, इसमें बाय डिफॉल्ट आपको ये दिख रहा होगा प्लेस होल्डर पे थर्ड नंबर पे, मैं इसमें कुछ और भी टाइप कर सकता हूँ, ओके आई विल कॉल यू सून, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ टाइप कर दिया है, मैं अब मेरे पास कोई भी कॉल आएगी तो मैं उसका रिप्लाई ये भी दे सकता हूँ, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक में हम बिना सफारी को यूज किए, मींस कि जो एप्पल आईफोन का जो ब्राउजर होता है सफारी बाय डिफॉल्ट, उसको बिना यूज किए हुए हम सर्च कर सकते हैं किसी भी चीज को, मींस कि इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें क्या करना है, अपने आईफोन के स्क्रीन पर स्क्रॉल डाउन कर देना है, स्वाइप डाउन कर देना है नीचे की तरफ, तो ये सर्च बार ऊपर ओपन हो जाएगा। ये जो सर्च बार है यहाँ पे मेरे को टाइप करना है, जैसे मेरे को किसी चीज़ के लिए जानना है, अगर मैं अमेजोन के बारे में जानना चाहता हूँ तो मेरे को गूगल पे जाना होगा, सीधा सफारी यूज करते हुए ब्राउजर को यूज करते हुए गूगल पे जाना होगा, वहाँ से पता करें वहाँ क्या अमेजोन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अमेजोन, ठीक है, और आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर आप अमेजोन के बारे में कुछ भी पता कर सकते हैं, जैसे कि भी अमेजोन आ गए, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, यहाँ क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये अमेजोन के बारे में बता रहा है सब कुछ कि अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी बेस्ड इन सिएटल में वाशिंगटन में है, और इसके इतने एम्प्लॉइज हैं, ये एस्टेब्लिश जब हुई थी, हेडक्वार्टर्स यहाँ पे है, सब चीज़ यहाँ पे है, कंट्री यहाँ पे है, CEO ये हैं, एंडी जैसी, ये सब चीज़ें आप यहाँ से कुछ भी पता कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ और चीज़ यहाँ पे देखता हूँ कि मनीष करके एक कोई भी सीरीज थी, एक मनीष, ठीक है, मनीष यहाँ पे आ चुका है, जैसे मनीष यहाँ पे सीरीज है, ये मनीष के बारे में सीजन 5 है, इसके मतलब कुछ भी आपको सर्च करना है विदाउट आप सफारी में जाए बिगर आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। बढ़ते अपनी अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक में मैं आईफोन यूजर्स के लिए बताने वाला हूँ कस्टमाइज नोटिफिकेशन, मीन्स कि आप किसी यूजर के लिए, किसी कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आप रिंगटोन को कस्टमाइज कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ आईफोन में एक फीचर और है, आप वाइब्रेट, मीन्स कि फोन वाइब्रेट कैसे होगा उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। वो आपको कैसे करना है, सिंपल आपको जाना है अपने कॉन्टैक्ट्स में, कॉन्टैक्ट्स में जाने के बाद किसी भी कॉन्टैक्ट जिस पे आपको कस्टमाइजेशन लगाना है तो आप उस पर क्लिक करिए, एडिट पर जाइए, एडिट पर जाने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे रिंगटोन डिफॉल्ट जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जाइए और ये आप देख रहे होंगे वाइब्रेशन डिफॉल्ट, इस पर क्लिक कर देंगे और सबसे नीचे आप देख रहे होंगे क्रिएट न्यू वाइब्रेशन, क्रिएट न्यू वाइब्रेशन पे आपको जाना है और ये जो आपके सामने ये स्क्रीन आ गई यहाँ पे आपको अपने फिंगर से टच करके रखना है, जब तक आप टच करोगे जब तक वाइब्रेट होता रहेगा, जब आप उसको छोड़ दोगे तो वाइब्रेट नहीं होगा, टच करो वाइब्रेट करो, तो ऐसे इस आपको एक प्लेन लिस्ट बनानी है अपनी, एक खुद की एक आपको एक कस्टमाइजेशन बनाना है कोई वाइब्रेशन का एक पूरा, देखते हैं जैसे मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे, फिर मैं टच कर रहा हूँ, फिर मैं टच कर रहा हूँ, तो आप ये देख रहे हैं जितनी बार भी ये ब्लैक डॉटेड नीचे है यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी बार मैंने वाइब्रेट किया हुआ है, तो मैंने कस्टमाइज की हुई है, मैं इसको प्ले कर सकता हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ, इसको सेव कर सकता हूँ कॉन्टैक्ट के लिए, तो आपको ये मे बी सारी ट्रिक आईफोन यूजर के लिए पसंद आई होगी। और भी ऐसी आईफोन यूजर ट्रिक देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर।